हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन आप लोगों को देने वाले हैं चैप्टर 2 इंग्लिश लिटरेचर से। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 का भी सोल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाकर, 8th क्लास इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा उसका सोल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द पोएम, इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आया है वो है एट वॉट एज डिड ग्रैनी लर्न क्लाइंबिंग। तो 6 एज में थी तभी उन्होंने अपने ब्रदर से पेड़ पर चढ़ना सीखा था। उसके बाद आता है हमारा हु टॉट हर हर एट द आर्ट ऑफ क्लाइंबिंग ट्रीज, किसने सिखाया था उनको पेड़ पर चढ़ना। तो ग्रैनी ब्रदर थे, उन्होंने ग्रैनी के जो भाई थे उन्होंने उनको पेड़ पर चढ़ना सिखाया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ ओल्ड वॉज सी वैन शी ले लास्ट क्लाइंबर क्लाइम्ड अ ट्री। तो इसमें पूछा गया है कि वो कितने साल की थी जब उन्होंने लास्ट बार क्लाइंब किया पेड़ पर चढ़ाई की। तो जब वो 62 साल की थी तब उन्होंने लास्ट बार पेड़ पर चढ़ाई की। और फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है इन विच सीजन डिड सी एडवाइज टू टेक रेस्ट आफ्टर बींग रेस्क्यूड। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सीजन था जिसमें ग्रैनी को रेस्ट करने के लिए बोला गया था रेस्क्यू के बाद। तो समर सीजन था जब ग्रैनी को एडवाइस दी गई थी कि वो बेड पर ही रहे। फ्रेंड्स, इसको आप लोग वन वर्ड आंसर में लिख सकते हैं या फिर फ्रेंड्स आप लोग इसको सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रैनी लर्न क्लाइंबिंग ट्रीज एट द एज ऑफ 6, ऐसे ही करके आप लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद आता है हु मेड अ ट्री टॉप हाउस फॉर हर। फ्रेंड्स, यहाँ पर 6th क्वेश्चन मैंने पहले लिखा है और 5th क्वेश्चन बाद में लिखा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने गलती से 6th क्वेश्चन पहले लिख दिया था और 5th बाद में, इसलिए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी इसका पढ़ के सुना रही हूँ इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसको पढ़ लेते हैं 6th क्वेश्चन को, उसके बाद हम 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे। हु मेड अ ट्री टॉप हाउस फॉर हर, मतलब ग्रैनी के लिए किसने बनाया था ट्री टॉप हाउस, ट्री हाउस, इसमें पूछा गया है ये। तो हम आंसर लिख देंगे इसका, पोएट मेड अ ट्री टॉप हाउस फॉर हर। जो पोएट थे जिन्होंने ये कहानी लिखी है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने अपनी ग्रैनी के लिए ट्री टॉप हाउस, ट्री हाउस बनाया था। उसके बाद आता है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग वॉज सी एडवाइज टू टेक रेस्ट। इसमें पूछा गया है कि वो कितने दिनों तक उन्हें बोला गया था कि वो रेस्ट ले। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर हो जाएगा फॉर अ वीक, एक वीक के लिए ग्रैनी को बोला गया था कि वो रेस्ट करे एक हफ्ते के लिए। उसके बाद आता है हमारा 7th क्वेश्चन जो है व्हाट थिंग्स डज द नैरेटर कैरी टू हिज ग्रैनी ट्री टॉप हाउस डेली। इसमें पूछा गया है कि जो नैरेटर थे जो कहानी लिख रहे हैं वो क्या लेके जाते थे ग्रैनी के लिए हमेशा ट्री हाउस में। तो द नैरेटर कैरी अ ट्री एंड अ ग्लास टू हिज ग्रैनीज ट्री टॉप सैरी विच इज़ अ काइंड ऑफ वाइन। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में सैरी का जो मीनिंग है वो भी आपको बता दिया है। ये एक तरह की वाइन होती है, लाइट वाइंड वाइन। इसका आंसर हो, मतलब हिंदी में इसका आंसर होगा जो नैरेटर थे वो अपनी ग्रैनी के लिए एक ट्री और एक ग्लास ले जाते थे जिसमें वो वाइन पीती थी, सैरी पीती थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है हमारा बी, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फर्स्ट वन है, इसमें हमें पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैराग्राफ को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए। उसके बाद हम लोग वन का आंसर देख लेते हैं। वन का आंसर है व्हाई डिड द नैरेटर एंड हिज फैमिली सेंड इन रिलीफ द नैरेटर। इसमें पूछा गया है कि जो नैरेटर था और उसकी फैमिली थी वो रेस्ट रिलीफ में क्यों थे। तो
द नरेटर एंड हिज फैमिली साइन इन रिलीफ एज डॉक्टर सेड ग्रैनी टू टेक अ बेड रेस्ट फॉर अ वीक। उसके जो माता पिता थे, जो रस्किन बॉन्ड के परिवार वाले थे, वो लोग इसलिए रिलीफ में आ गए थे क्योंकि डॉक्टर ने उसकी ग्रैनी को बोला था, उसकी दादी को, कि वो बेड रेस्ट ले एक हफ्ते के लिए। उनकी ग्रैनी जो थी, ग्रैंड मदर, वो पेड़ पर चढ़ जाती थी, इस वजह से पूरा परिवार टेंशन में रहता था कि वो कभी गिर गई तो कैसे होगा। इसी वजह से जब डॉक्टर ने उनको बोला कि वो रेस्ट ले, तब उनके परिवार वाले बहुत खुश थे। फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज ग्रैनी कन्फेस टू बेड, व्हाई डिड शी फाइंड इट अ ब्रीफ सीजन इन हेल। फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया, जो ग्रैनी थी वो जब बेड पे थी तो उनको एक सीजन पूरे हेल की तरह क्यों लग रहा था, हेल मीन्स नर्क क्यों लग रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रैनी वॉज कन्फेस्ड टू बेड बिकॉज शी फॉल फ्रॉम द ट्री एंड वॉज ड्राइव्ड बाय द डॉक्टर। सर्वेंट्स एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक रेस्ट फॉर अबाउट 1 वीक। सी फाउंड इट अ ब्रीफ सीजन इन हेल बिकॉज सी कुड नॉट क्लाइंब द ट्रीज। वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए उनको ये जो सीजन था एक हफ्ता पूरा हेल लग रहा था, नर्क लग रहा था। उसके बाद देखते हैं शी सी क्वेश्चन आंसर्स में, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हाउ डिड शी फाइनली गेट राइट ऑफ द सीजन इन हेल। तो इसका आंसर हो जाएगा, शी फाइनली गॉट रिड ऑफ द हिज सीजन इन हेल बाय डिमांडिंग अ ट्री हाउस ऑन द ट्री टॉप फ्रॉम हर सन हु फुलफिल्ड हर विश एंड गॉट हर द हाउस ऑन द ट्री टॉप वेरी सून। उसके बाद आता है सेकंड है हमारा फ्रेंड्स, इसमें भी हमें पैराग्राफ करना है और 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ए आता है हमारा, व्हाट डिड एवरीवन फियर। वो क्या था जिससे एवरीवन फियर था, वो सब टेंशन में थे, घबराए हुए थे, डरते थे। एवरीवन फियर दैट द ओल्ड ग्रैनी वुड हैव अ ट्रिबल फॉल फ्रॉम द ट्री। फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि जो एवरीवन थे इसलिए घबराते थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर ग्रैनी कभी पेड़ से गिर गई तो क्या होगा। ये आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं बी नंबर पे। फ्रेंड्स, हमारे बी नंबर है, द आउटकम वॉज डिफरेंट। व्हाट वॉज दिस आउटकम, हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द एवरी वन हैज एक्सेप्टेड। द आउटकम वॉज डिफरेंट एज द ग्रैनी गॉट trapped in the tree, it was different from everyone excepting as she got trapped in the tree inside of falling down. इसके बाद आता है सी, what did this outcome lead to? This outcome lead to granny confinement to bed for a week. Friends, ये हो जाएगा हमारा आंसर सी का। फ्रेंड्स, इसके आगे आता है हमारा हॉट्स लाइफ स्किल वैल्यूज। फ्रेंड्स, इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियोस हमारी 8 मिनट्स की ज़्यादा होने वाली है। अगर ये फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक भी कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।